इस शीट की हेडिंग क्या लिखी हुई है? एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इंडक्टिव रिएक्टेंस, सिंबल क्या होता है? एक्सएल, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सिंबल क्या है? एक्ससी। यानी कि इस शीट में जो न्यूमेरिकल मिलेंगे या तो एक्सएल के मिलेंगे या एक्ससी के मिलेंगे, और हमें फॉर्मूला आता है एक्सएल का भी और एक्ससी का भी, तो इसकी थ्योरी फॉर्मूलाज देखने की हमें जरूरत नहीं है। सीधा क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। तो 9th के अंदर 100 हर्ट्ज एसी, बोलो क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। इज फ्लोइंग इन 14 मिली हेनरी कॉयल, ये क्या गिवन है? एल। मिली हेनरी का मतलब है हेनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइंड इट्स रिएक्टेंस, अब एक्स एल निकालना है। एक्स एल का फॉर्मूला एल ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। क्या स्टेप क्लियर है? ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो एक्स एल इज एल ओमेगा। तो यहां से आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पता है, आपको एल पता है, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? एक्स एल। यूनिट्स क्या आएंगे? ओम्स। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं। जैसे नेक्स्ट, कौन सा इंडक्टर गिवन है? प्योर। प्योर का मतलब आर की वैल्यू जीरो, सिर्फ एक्सएल होगा। प्योर इंडक्टर में 25 मिली हेनरी, तो एल पता है। कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ, जब कुछ ना गिवन हो तो ई क्या होता है? ई आरएमएस। फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, जब फ्रीक्वेंसी 50 है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एल ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? 2.2 फ्रीक्वेंसी, तो पाई पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, एल पता है, एक आंसर, तो ओम में आंसर आ गया। एक और चीज निकालनी है, आरएमएस करंट, क्योंकि आपको वोल्टेज कौन सी गिवन है? ई आरएमएस। ई आरएमएस को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। अब इंडक्टर की रेजिस्टेंस यहां पर क्या ली जाएगी? एक्सएल। आर तो ली नहीं जाएगी, तो ई आरएमएस को एक्सएल से डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस से, तो क्या आ जाएगा? आरएमएस करंट। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ई आरएमएस को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो आई आरएमएस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, देखें जरा क्या स्टेटमेंट है। देखो क्वेश्चन है, कॉयल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, क्या गिवन है? एल। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव रिएक्टेंस ऑफ, क्या गिवन है? एक्सएल। एक्सएल क्या होता है? एल ओमेगा, तो एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इंटू एल टाइम्स 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहां से फ्रीक्वेंसी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, एक्सएल पता है, एल पता है, एक आंसर आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। अगला पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, क्या निकालना है? सी, विच हैज सेम रिएक्टेंस एट दैट फ्रीक्वेंसी। रिएक्टेंस कैपेसिटर की क्या होती है? एक्स सी। कह रहे इसकी जो रिएक्टेंस है वो सेम है जो इंडक्टर की रिएक्टेंस है। इंडक्टर की रिएक्टेंस कितनी है? एक्सएल। तो एक्सएल और एक्स सी सेम है, और एट दैट फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी भी एग्जैक्टली सेम है। वो कह रहे एक्सएल की जगह एक्स सी निकाल दो। एक्स सी का फॉर्मूला 1/C ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पता है, कैपेसिटेंस पता है, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है एक्स एल का और एक्स सी का। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ना एक बार। तो एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी, क्या गिवन है? एल। इफ द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड, तो ये करंट एम्पलीट्यूड क्या होते हैं? मैक्सिमम करंट। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम करंट, ये करंट का एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब आई नॉट। तो आई नॉट की वैल्यू भी गिवन है, एंड फ्रीक्वेंसी एफ भी गिवन है। कैलकुलेट अफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, आपको अफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये बड़ी कंफ्यूज कर सकती है स्टेटमेंट। अफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आरएमएस, अफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज या आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एक ही बात है।
अफेक्टिव सुनने की आदत नहीं ना, तो अजीब लगता है कि पता नहीं कौन सी वोल्टेज पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। तो इस केस में आपको एल पता है, आई नॉट पता है, और आपको क्या निकालना है, आरएमएस। अब क्योंकि ये ओनली इंडक्टर है तो मुझे पता है कि इसमें आई आरएमएस क्या होगा, आई आरएमएस होगा वी आरएमएस डिवाइडेड बाय एक्सएल। आई आरएमएस इज वी आरएमएस बाय एक्सएल। आरएमएस की जगह आप अफेक्टिव लिख लो, आई अफेक्टिव इज इक्वल टू वी अफेक्टिव बाय एक्सएल। तो वी अफेक्टिव क्या आएगा, एक्स एल इंटू आई अफेक्टिव। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आई आर एम एस इज वी आर एम एस बाई एक्सएल। अब एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा, और आई अफेक्टिव तो है ही नहीं क्वेश्चन में, मुझे आई नॉट गिवन है, तो आई नॉट गिवन है, तो आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बाय रूट टू। अब आपको आई नॉट मैक्सिमम करंट पता है, आपको फ्रीक्वेंसी पता है, आपको एल पता है आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, वो जो कन्फ्यूज कर रहा है कि अफेक्टिव वर्ड यूज करके आर एम एस वैल्यू की जगह अफेक्टिव वर्ड यूज कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 एक बार पढ़ो जरा, क्या क्वेश्चन है। देखो इसमें ऑल्टरनेटिंग EMF, E is E not, E is 220 sin 100 pi t। एक बात बताओ, हमने इक्वेशन क्या की, E not into sin of कितना, omega t, omega t क्या होता है, 2 pi into frequency into t, clear है। कंपेयर करो तो E not कितना आ गया, 220। इसको कंपेयर करो, 2 pi into frequency का मतलब 100 pi है, तो pi से pi कैंसल, तो frequency की वैल्यू कितनी आ गई, 50। क्लियर है यहाँ तक। तो आप कंपेयर करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, कंपेयर करके ई नॉट निकाल सकते हैं। अब क्या निकालना है, वो कह रहे हैं इज अप्लाई टू अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ, यानी कि क्या गिवन है, एल। इक्वेशन फॉर इंस्टेंट इन इस करंट निकाल लो। अब क्योंकि ये कौन सा केस है, कैपेसिटर की इंडक्टर, इंडक्टर, तो इंडक्टर के अंदर अगर ई की वैल्यू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होती है, तो करंट क्या होता है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यही होता है। अब इस केस में आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, तो पता ही है ये रहा ओमेगा टी कितना, 100 पाई टी, तो 100 पाई टी ही ओमेगा टी है माइनस पाई बाई टू। अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है, आई नॉट, आई नॉट आ गया, इक्वेशन आ जाएगी करंट की। क्लियर है यहाँ तक। अब आई नॉट निकालने का तरीका, क्योंकि मेरे को इस इक्वेशन में जो ईएमएफ की इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में कंपेयर करके क्या पता है, ई नॉट पता है और फ्रीक्वेंसी पता है, और क्योंकि मैं एक्स एल भी निकाल सकता हूँ, एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा, मेरे को एल पता है और फ्रीक्वेंसी पता है, तो एक्स एल को मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ इस फॉर्मूले से। तो मैं क्या करूँगा, मुझे आई नॉट चाहिए, आई नॉट क्या है, ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एल, क्योंकि अगर ये ई नॉट है तो आई नॉट है, अगर ये ई आर एम एस है, ये आई आर एम एस है, तो मेरे पास क्वेश्चन में ई नॉट पता है मुझे, इसको रेजिस्टेंस XL से डिवाइड करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मैक्सिमम करंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज पता है, तो I नॉट आ गया। आप इस I नॉट को यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर आ गया, ये इक्वेशन की वैल्यू आ गई। तो करंट की इक्वेशन जो आ गई वो कितनी आ गई, इतनी करंट की इक्वेशन आ गई। क्लियर है यहाँ तक। तो पता ही है कि करंट वोल्टेज से पाई बाय टू पीछे होगा, बस मेन बात क्या थी, इसमें क्या निकालना, आई नॉट निकालना। अब दूसरी चीज, इसके अंदर एक और चीज निकालनी है, क्या इक्वेशन लिखो, रीडिंग ऑफ एसी एमीटर, एसी एमीटर क्या रीड करता है, आरएमएस, आरएमएस रीड करता है, तो आरएमएस रीड करेगा तो आई नॉट आपको 2.2 पता है, इसको रूट टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आई आरएमएस। मेथड समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखना प्लीज। देखो इसमें एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस क्या गिवन है, एल गिवन है।
कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ पीक वैल्यू, पीक वैल्यू का मतलब ई नॉट गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, क्या निकालना है? पीक करंट, पीक करंट क्या होता है? आई नॉट, आई नॉट क्या होता है? ई नॉट बाय एक्सएल, क्योंकि और तो इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं कोई, एक्सएल क्या होता है 2.2 फ्रीक्वेंसी करंट आ गया। अब असली पार्ट क्या है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स, जब करंट कहां पर है? अपनी पीक वैल्यू पे है, इसका आंसर क्या होगा? जीरो क्यों होगा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये इंडक्टर का केस है, राइट, इंडक्टर के केस में करंट अपनी पीक वैल्यू पे है, यहां पे है, राइट, राइट यहां पर है, तो करंट का एंगल यहां पर कितना है? पाई बाई टू साइन थीटा में ये 0, 90, 180 ऐसे होता है ना, तो वोल्टेज जो है वो कहां पे होगी? पाई बाई टू का डिफरेंस है, पाई बाई टू के डिफरेंस में क्या है कि पाई बाई टू के डिफरेंस में वोल्टेज अपने आप क्या हो जाएगी इसमें? जीरो, क्योंकि इंडक्टर के अंदर करंट लैग करता है ईएमएफ से बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू, तो सो दी वोल्टेज इज जीरो व्हेन करंट इज एट पीक, पाई बाई टू का डिफरेंस है ना, तो एक पीक पे है तो एक जीरो है, जब वोल्टेज पीक पे होगी तो करंट जीरो है, तो एक ने जीरो होना और एक में पीक पे पहुंचाना है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? साइन और कॉस में क्या फर्क होता है? यही तो होता है कि एक अगर पीक पे चल रहा है, पाई बाई टू का डिफरेंस क्या कहते हैं? अगर एक पीक पे है तो दूसरी जीरो वैल्यू पे, ठीक है यहां तक? अब आप एक काम करो, इसके पहले चार क्वेश्चन अभी आपने प्रैक्टिस करने हैं, पहले चार क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करने हैं अनसॉल्व्ड।